महिला शक्ति के सदस्यों द्वारा ली गई बैठक, जिसमें योजना के तहत विधवा माताओं व परित्यक्ता माताओं के बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराकर महिला शक्ति संस्था द्वारा फीस भरने की बात कही है। दिनांक 7/7/2022 दिन गुरुवार को जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोधना के पंचायत भवन में जरूरतमंद विधवा माताओं को एवं परित्यक्ता माताओं को महिला शक्ति की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा उनके बच्चों को एडमिशन के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें महिला शक्ति संस्था के द्वारा विधवा माताओं व परित्यक्ता माताओं के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराया जाएगा और उन बच्चों की फीस महिला शक्ति संस्था की ओर से भरी जाएगी, जिससे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। महिला शक्ति संस्था जो महिला सुरक्षा पर कार्य करती है एवं जरूरतमंद विधवा व परित्यक्ता बहनों को निम्न बिंदुओं पर मदद करती है, जिस पर आजीविका, विधवा पेंशन, बच्चों की पढ़ाई निशुल्क, बस और ट्रेन का पास, लाइट का बिल निशुल्क, पानी का बिल निशुल्क व जो विधवा माताएं व बहनें किराए के मकान में रहती है उन्हें मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष भास्कर सिंह कंवर, जागेश्वरी कंवर, उपाध्यक्ष सुलेखा दिव्य, जिला शहर प्रमुख पिंटू दिव्य तथा नवागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष किशोर कुमार, महासचिव अनीता पटेल, शहर प्रमुख खुशबू महंत परमेश्वरी व नवागढ़ ब्लॉक युवा अध्यक्ष सावित्री देवी, ब्लॉक संपर्क प्रमुख संतोष कुमार लहरे एवं अन्य ब्लॉक पदाधिकारीगण तथा ग्राम के उप सरपंच, विधवा माताएं, परित्यक्ताएं माताएं व ग्राम के बड़े बुजुर्ग तथा सरस्वती शिशु मंदिर गोधना संचालक व ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।